सब्सक्राइब कीजिए मंडा सर यूट्यूब चैनल को, और इसी प्रकार की एजुकेशनल वीडियो प्राप्त करने के लिए साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। फ्रेंड्स, मंडा सर यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ठीक है। जैसा कि आपको पता ही है, हमने जिस बोर्ड पर यह लिख रखा है वो करंट जीके वाला मैटर है, और अपन इससे पहले की वीडियो में लगातार, आपको पता है, अक्टूबर माह की अपन करंट कर रहे हैं, और अक्टूबर माह की करंट जीके में राष्ट्रीय नियुक्ति हमने टॉपिक लिया, और उस टॉपिक में पिछली वीडियो में हमने अनूप कुमार सिंह तक अपने देख लिया था कि ये एनएसजी के नए महानिदेशक बने हैं। बाकी इस वीडियो में जो राष्ट्रीय नियुक्ति से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके करंट जीके से हो सकते हैं इस वीडियो में कवर करेंगे फ्रेंड्स, तो आप इस वीडियो को लगातार देखते रहिए। और आज बात करते हैं सबसे पहले इन सात, जो आपको दिख रहा है ये मैप बना रखा है मैंने, ये सात हाई कोर्ट हैं, इसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। आपको कुछ दिन पहले पता था कि सुप्रीम कोर्ट में चार जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में बने। आज अपने सुप्रीम कोर्ट की जो संरचना है, स्ट्रक्चर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है, उसकी संरचना देखें, 1+33। तो इस सुप्रीम कोर्ट में जो 33 है तो इसमें चार न्यायाधीश बने। तो चार न्यायाधीश बने, ये कौन कौन से हाई कोर्ट से गए, पहला प्रश्न तो यही बन सकता है, और इनकी जगह पर और कौन कौन से नए न्यायाधीश बने, ये भी प्रश्न बन सकता है। तो सबसे पहले मैंने ये सात अपने जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट जिनके न्यायाधीश नए बने हैं, और जो हाई कोर्ट जिनके चार न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, वो सभी इस मैप में दिए गए हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं राजस्थान हाई कोर्ट की। राजस्थान हाई कोर्ट में बात करें तो ये इनसे पहले जो मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे उनका नाम था रविंदर भट्ट, और रविंदर भट्ट इनकी जगह, ये रविंदर भट्ट कहाँ चले गए हैं, इनकी नियुक्ति हो गई है सुप्रीम कोर्ट में। तो अभी वर्तमान में आपसे पूछे राजस्थान हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो आपको उत्तर बताना है इंद्रजीत मोहंती। याद रह जाएगा क्या? इसी प्रकार से आपको याद करना है, करंट को बिल्कुल समझते हुए चलना है। नेक्स्ट बात करें केरल हाई कोर्ट की। केरल हाई कोर्ट में जो पहले थे उनका नाम था न्यायाधीश, जो मुख्य न्यायाधीश थे, ऋषिकेश राय, पहले थे ये, और पहले थे, अब ये कहाँ है, सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में इनकी नियुक्ति हुई। और अभी वर्तमान में याद रखना है आपको जस्टिस एस मणि कुमार, ये केरल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इसी प्रकार से बात करें इधर आंध्र प्रदेश, देखिएगा आंध्र प्रदेश में नए जो चीफ जस्टिस बने हैं उनका नाम है जे के माहेश्वरी। बात करें गुवाहाटी हाई कोर्ट की, गुवाहाटी हाई कोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं उनका नाम है अजय लांबा। और बात करें सिक्किम हाई कोर्ट की, सिक्किम हाई कोर्ट के जो जज हैं जिनके नाम है मुख्य न्यायाधीश, जिनको बोलेंगे अपन जस्टिस अरूप के गोस्वामी। आप बात करें पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के, पहले थे कृष्ण मुरारी की नियुक्ति हो गई है सुप्रीम कोर्ट में, और इनकी जगह स्थान लिया है रवि शंकर झा। तो वर्तमान में आपसे पूछे चंडीगढ़ हाई कोर्ट, जो इनको संयुक्त रूप से बोला जाता है पंजाब और हरियाणा का, इनका जो चीफ जस्टिस कह सकते हैं या मुख्य न्यायाधीश कह सकते हैं रवि शंकर झा, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के। बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के पहले हुआ करते थे वी राम सुब्रमण्यम, अब बने हैं इसके वर्तमान में, ये तो चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। और वर्तमान में बातचीत करें फ्रेंड्स, तो लिंगप्पा नारायण स्वामी ये वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो ये सारे प्रश्न, अभी जो सात हाईकोर्ट जिनमें चार हाईकोर्ट वो हैं, चार जिनके न्यायाधीश अभी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में उनकी नियुक्ति हुई है, तो अपन उसको डिनोट भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें केरल हाईकोर्ट, एक राजस्थान हाईकोर्ट के, दो पंजाब हाईकोर्ट के, तीन और हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चार। ये चार न्यायाधीश अभी वर्तमान में पूछे आपसे तो सुप्रीम कोर्ट में इनकी नियुक्ति की गई है। तो अब वर्तमान में इस प्रकार की संरचना जो करंट जीके में अक्टूबर माह में जिनकी नियुक्ति हुई है, इनसे एक या दो प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो आप इसी प्रकार से याद रखना है। बाकी हमने एस ए बोबड़े के बारे में कल बातचीत कर चुके हैं अपन,
सौरभ गांगुली के बारे में बातचीत कर चुके हैं अपन, आज अपन बात करेंगे पंकज कुमार। तो पंकज कुमार किस आयोग के या किस प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं, आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं फ्रेंड्स। बात करते हैं पंकज कुमार की। पंकज कुमार हाल ही में, आप एक संस्था को जानते ही हैं, पहचानते हैं, समझते हैं, भारतीय विशिष्ट पहचान, विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, प्राधिकरण कहने का मतलब जो आधार कार्ड बनाने वाली संस्था है, आधार कार्ड जिनको बोलते हैं UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष बने हैं, कौन बने हैं? पंकज कुमार। याद रह जाएगा क्या? इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं फ्रेंड्स। तो पंकज कुमार, अनूप सिंह को अपने कल देख लिया था, ये किसके अध्यक्ष हैं? NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नए महानिदेशक बने हैं। सौरव गांगुली को कल अपन ने देख लिया था, BCCI के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं, निर्विरोध चुने गए हैं। और SA बोबड़े CGI बने हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो इसी प्रकार से पंकज कुमार, आपको बताना है UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो भी आधार कार्ड बनाने वाली संस्था है, उनके अध्यक्ष के रूप में पंकज कुमार की नियुक्ति की गई है। बाकी बात करें सुखबीर सिंह संधु, सुखबीर सिंह संधु आपको याद आ रहा है क्या? NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हिंदी में बोल सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, इनके अध्यक्ष के रूप में हाल ही में नियुक्ति हुई है। किसकी हुई है फ्रेंड्स? सुखबीर सिंह संधु। तो सुखबीर सिंह संधु हाल ही में अक्टूबर माह में कौन से प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं? NHAI, याद रह जाएगा। बात करें विनोद कुमार शर्मा की, विनोद कुमार शर्मा पंजाब, पंजाब के नए लोकपाल बने हैं, पंजाब के लोकायुक्त बोल सकते हैं, पंजाब के लोकायुक्त के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है फ्रेंड्स? आपको उत्तर बताना है विनोद कुमार शर्मा। आपके दिमाग में एक प्रश्न भी आ सकता है कि लोकपाल लोकायुक्त कौन होते हैं। देखो, लोकपाल और लोकायुक्त, ये लोकपाल वाली संस्था अभी ही बनी है, अभी कुछ दिनों पहले ही अस्तित्व में आई है लोकपाल संस्था। होती क्या है? भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए, भ्रष्टाचार के केस जहां दर्ज होते हैं, जहां मंत्री, विधायक, सांसद, बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, इनके घोटालों को प्रदर्शित करना जनता के सामने, कोई सरकारी कर्मचारी है, लोक सेवक है, उनके सब भ्रष्टाचार को पावन कम करने के लिए जो संस्था बनाई गई है, वो संस्था है लोकपाल। और आपको याद रखना है, पूरे देश में तो होता है लोकपाल, और प्रत्येक राज्य में इकाई होती है, उसको बोलते हैं लोकायुक्त। और लोकपाल, आपको ये भी याद रखना है, भारत के प्रथम लोकपाल के रूप में नियुक्ति किसकी हुई है? PC घोष, याद रह जाएगा क्या? पिनाकी चंद्र घोष, ये भारत के प्रथम लोकपाल प्रमुख बने हैं। और पंजाब के लोकायुक्त के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? विनोद कुमार शर्मा की। और बात करें नेक्स्ट आपने बात करें ब्रिजराज शर्मा हाल ही में SSC के चेयरमैन बनाए गए हैं, SSC के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है फ्रेंड्स? तो आपका इसका उत्तर बताना है ब्रिजराज शर्मा की नियुक्ति SSC, याद आ रहा है क्या? कर्मचारी चयन आयोग, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इनमें अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? ब्रिजराज शर्मा की। इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले थे आसिम खुराना, इनसे पहले थे आसिम खुराना। बाकी बात करें SS मल्लिकार्जुन राव को देखिएगा,
आप बता सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक, यस, क्या होगा पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। और पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में अभी हाल ही में नियुक्ति हुई है एसएस मल्लिकार्जुन राव की। तो पंजाब नेशनल बैंक के बारे में कुछ बातें अपने को याद रखनी है। एक तो इसकी स्थापना अपने को याद रखनी है, स्थापना 19 मई 1894। इसका मुख्यालय अपने को याद रखना है, मुख्यालय नई दिल्ली, पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय नई दिल्ली याद रखना है। अभी एमडी एंड सीईओ चीफ एजुकेटिव ऑफिसर के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है, आप इसका उत्तर बता सकते हैं एसएस मल्लिका अर्जुन, मल्लिका अर्जुन राव। इसके बाद में इन्होंने स्थान किसका लिया, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, इसका उत्तर आएगा सुनील मेहता। किसका स्थान लिया है फ्रेंड्स, सुनील मेहता का स्थान लिया है, सुनील मेहता। और एसएस मल्लिकार्जुन इससे पहले किसके एमडी थे, इलाहाबाद बैंक के एमडी और सीईओ थे, कौन, एसएस मल्लिकार्जुन राव। बात करें पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक के रूप में, तो संस्थापक के रूप में जब बातचीत करते हैं तो आपको दो नाम याद रखने हैं। एक नाम आता है दीपक मजीठिया, सॉरी दीपक का नाम नहीं, दयाल, क्या लिखेंगे इसको, दयाल मजीठिया, मजीठिया। और एक नाम याद रखेंगे लाला लाजपत राय। पंजाब नेशनल बैंक से हमारे को इतनी बातें याद रखनी है। बाकी नेक्स्ट पॉइंट देखें, नियुक्ति के संदर्भ में अपन बातचीत करें रजनीश कुमार की। रजनीश कुमार के बारे में कोई भी फ्रेंड्स जानता है तो आप रजनीश कुमार के बारे में लिखिए कि रजनीश कुमार किस बैंक के एमडी और सीईओ हैं, और वर्तमान में अक्टूबर माह में किस पद पर, नए पद पर आसीन हुए हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दे सकते हैं। देखिएगा रजनीश कुमार एसबीआई बैंक के सीईओ है ही हैं, इसके अलावा अभी वर्तमान में आईबीए भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष के रूप में, या एमडी सीईओ आप उनको एक चेयरमैन के रूप में बता सकते हैं, इनकी नियुक्ति हुई है रजनीश कुमार की। याद रह जाएगा क्या आपको, ये सारी बातें याद रखनी है फ्रेंड्स कि भारतीय बैंक संघ के जो अध्यक्ष चेयरमैन के रूप में रजनीश कुमार, और रजनीश कुमार एसबीआई बैंक के भी क्या है, सीईओ हैं, चीफ एजुकेटिव ऑफिसर। लास्ट अपनी नियुक्ति वाला पोर्शन आता है सुरजीत एस भल्ला। तो सुरजीत एस भल्ला आपको याद रखना है किसके कार्यकारी निदेशक बने हैं, कौन सी संस्था के कार्यकारी निदेशक बने हैं। तो आपको याद रखना है सुरजीत एस भल्ला हाल ही में आईएमएफ, याद रह जाएगा क्या, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, हिंदी में बोलते हैं फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, याद रह जाएगा क्या, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, सुरजीत एस भल्ला। एक इनकी स्थापना याद रखनी है आपको, 27 दिसंबर 1945 आईएमएफ की स्थापना, आईएमएफ का मुख्यालय हेड ऑफिस कहाँ है, इसका उत्तर बताना आप वाशिंगटन डीसी। आईएमएफ का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी। इसके बाद में बात करें आईएमएफ के बारे में, एक आपको इसी के अक्टूबर महीने से पहले सितंबर माह में जिसकी नियुक्ति हुई एक अध्यक्ष के रूप में, उन अध्यक्ष का नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। ये प्रश्न मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लगता है फ्रेंड्स, आप भी याद रखें इस प्रश्न को, आईएमएफ के वर्तमान में अध्यक्ष पद पर कौन है, इसका उत्तर बता सकते हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। और इसके बाद में बात करें एक मुख्य अर्थशास्त्री, भारतीय महिला थी एक मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में बनी इसमें, उनका नाम है गीता गोपीनाथ।
और लास्ट कार्यकारी निदेशक के रूप में आपको बताई है किसको बनाया गया है, सुरजीत एस भल्ला। सुरजीत एस भल्ला को इनके कार्यकारी निदेशक के रूप में बनाया गया है। और अभी आपने करंट जीके में नियुक्ति से संबंधित पोर्शन देखा, अभी एक बार मैं दोहरा भी देता हूँ। आपको पता है एसएससी एसएस मल्लिकार्जुन कौन से बैंक के बने हैं, एमडी पीएनबी के। रजनीश कुमार कौन से के बने हैं, आईबीए मतलब इंडियन बैंक एसोसिएशंस। और सुरजीत एस भल्ला आईएमएफ। ये सभी पद आपको याद रखने हैं करंट जीके के माध्यम से। इतनी बातें याद रह जाएंगी क्या? आपको याद करना है, आपको डायरी मेंटेन करनी है। अक्टूबर माह की करंट और सभी माह की करंट अपन लगभग 6 से 7 महीने की करंट कवर करने वाले हैं। आप डायरी को मेंटेन कीजिए, जो भी आपको प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में आप उत्तर दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए उसको, बाकी सभी आपकी प्रॉब्लम्स को सोल्व किया जाएगा इस पर, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद। इसी प्रकार से हमारे से जुड़े रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।